सूरत शहर को दानवीरों की धरती के तौर पर जाना जाता है। इस शहर के लोग अपने बेझिझक अंदाज से दान करने वालों में से गिने जाते हैं और सूरत को दानवीरों का शहर क्यों कहा जाता है उसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों को देखकर लग जाएगा। अनलॉक एक लागू हुए मात्र 3 महीनों का समय बीता है और इसी दौरान सूरत शहर में तकरीबन 226 लोगों ने नेत्रदान किया है, जिसके चलते लगभग 26 लोगों को दुनिया देखने का सौभाग्य मिला है। कोरोना महामारी के नियमों का गंभीरता से पालन करते हुए फिलहाल कंटेनमेंट जोन से नेत्रदान स्वीकार नहीं किए जा रहे। आई बैंक के प्रमुख बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में 8,951 नेत्रदान किए गए हैं। लॉकडाउन दरमियान गवर्नमेंट की गाइडलाइन और आई बैंक एसोसिएशन की गाइडलाइंस के हिसाब से ये आई कलेक्शन जो था वो बंद था, लेकिन उसके बाद ये 3 महीने में 226 जितना आई डोनेशन अभी लोकदृष्टि आई बैंक और जिला अंधत्व नियंत्र समिति को मिला है। सर, कंटेनमेंट जोन में हम आज भी ये नेत्रदान की कामगिरी नहीं नहीं हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे भी क्योंकि कोई संक्रमित आदमी है, किसी को मालूम नहीं है, रेड जोन में कोई सोसाइटी में भी ऐसे कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है वहाँ पे आ जावे, और जो लोग लेने के लिए डॉक्टर जाते हैं वो भी संक्रमित नहीं हो पावे, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। ये है सूरत के अड़ाजन इलाके में रहने वाले समीर भाई, जो बताते हैं कि हाल ही में इनके पिता का स्वर्गवास हुआ है। पिता के मृत्यु के बाद समीर भाई और उनके परिवार ने उनकी आंखों को दान करने का निर्णय लिया, ताकि किसी और को दुनिया से रूबरू होने का सुख मिल सके। मैं अंगदान के लिए फॉर्म भर रहा हूं और हमारे फैमिली में मेरे बहन और मेरी वाइफ और मेरे घर के सभी मेंबर्स ये चाहते हैं कि जब हमारा डेथ हो जाए और अगर एक आदमी के मेंटली डेथ होने के बाद अगर 9 से 10 आदमी की जिंदगी बच सकती है, उनको वो चीज़ चाहिए जो मेडिकल साइंस के पास नहीं है। ये एक इंसान ही इंसान को दे सकता है, ऐसी चीज़ है। और हम आदमी के जाने के बाद ये पूरा जला देने वाले हैं, तो वैसे भी जला देने वाले हैं, तो अगर कोई 8-10 आदमी का जिंदगी बच सकता है और उनको ऐसी चीज़ मिल सकती है कि जो ये पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है, तो जीवदया का इतना बड़ा लाभ हम लेना चाहेंगे। शरीर के अंग मृत्यु के बाद जरूरतमंदों तक पहुंचाना एक खूबसूरत सोच है, क्योंकि वो किसी की बिगड़ी हुई जिंदगी को जीने का मकसद दे सकती है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।